हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये टीचर्स हुआ, बीपीएससी हुआ, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो तो सब में इम्पोर्टेंट रहेगा, और सिविल सर्विसेज के लिए भी। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों जरूर धूप खिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो प्राकृतिक तत्वों में। ठीक है, वायु क्या है, तो मिश्रण है, अमोनिया है रासायनिक यौगिक, हीरा डायमंड है एक तत्व, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अब है नेक्स्ट कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। ठीक है, विरंजक चूर्ण है यौगिक, बारूद होता है मिश्रण। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है, तो -1.6 × 10⁻¹⁹ सी। परमाणु विद्युता होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वो है बोस। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। अस्थाई नाभिक हल्का 18 के साथ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, तो अल्फा कण। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। मेसन के खोज करता है युकावा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, तो 2882। स्पर्ण पत्र गोल्ड फॉयल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, तो अल्फा। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो विपरीत चक्र। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 6। परमाणुक संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या ए के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जेड। तत्व यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉनों की संख्या है 92। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एवं प्रोटोन की संख्या क्रमशः होगी 11, 12, 11। अब है यूरेनियम 92-238 में प्रोटॉन की संख्या है 146। जब 238 में से 92 माइनस करोगे ना, तो 146 हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है द्रव्यमान। संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻¹⁰ मीटर। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी -18 ही होगा, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो 4 होगा, ठीक है।
ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों को की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? तो हेनरी बैकवेरल ने। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो रदरफोर्ड ही। अल्फा किरणें हैं हीलियम प्लस प्लस आयन, बीटा किरणें ऋणावेशित कण होते हैं, बीटा में ऋणावेशित कण होता है, ठीक है। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो गामा किरण में। गामा किरणें क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का। अब है Na यानी सोडियम। सोडियम 11-22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है Mg, मैग्नीशियम। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर अपरिवर्तित रहती है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु। और प्लीज आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार करना, चैनल पर डालना। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हन ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। ये कितने एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल, ठीक है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो है थोरियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रिड रिएक्टर में ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्म। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति का कारण होता है? न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिक को आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी को कहते हैं ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? पोलोनियम। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 27। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा और कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो बेस क्षार। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? तो H+ आयन। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो खारा होता है।
किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से लेके 7.45 तक। दूध का पीएच मान 6.6। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिलिक आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं? सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांक। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। H2 और जलीय NOH से भरी परख नलियों के विलयन में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है? तो अम्लीय। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? Na2CO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है वो बढ़ जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है या किस नियम के अनुसार है? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम। वायु से हल्की गैस है अमोनिया। किस गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दोगुना। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। गैसीय समीकरण PV=nRT में R सूचित करता है एक मोल गैस को। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम ताप का मान होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली पीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्चर। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। पीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। NG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में कार्बन का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है? तो एंथ्रासाइट में। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO+N2। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियम ने। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियम ने की थी। उत्प्रेरक विष होता है क्रिया निरोधक। जैविक उत्प्रेरक है एंजाइम। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है NI। शीर्ष कक्ष प्रकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेज। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैवर्ड विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मोलिबेडनम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना है सक्रियण ऊर्जा। पत्तों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोवे रेनर ने। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के
आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडलीफ ने। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य होते हैं? तो शून्य समूह के होते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? तो वन बी। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपको ये हो जाएगा ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? कैलिफोर्नियम। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहा है, इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम का। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaCl, ठीक है। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया एक निलंबन है मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड का। पर्ण हरित का धातु संघटक है मैग्नेशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है मैग्नेशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पाद की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता होती है? विद्युत। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फॉस्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CaSOH2O। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3.MgCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एस्बेस्टस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजारकर तैयार किया जाता है? बुझे चुने पर से क्लोरीन। हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग का रासायनिक संघटन है Fe2OXH2। जंग लगने पर लोहे का जो भार है वो बढ़ता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है और उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो क्रोमियम। कांच है एक प्रत्यास्थ ठोस। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनीलन। किसी पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है फेरिक क्लोराइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो ये तांबा है। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण MgL में है 2.0। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज में। वाटर टैंकों में सवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। इस्पात का आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? यसद लेपन। चूहों को मारने की दवा है जिंक फॉस्फाइड।
रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फॉस्फेट। सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सोना सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है सोना। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो वो है गोल्ड, सोना होगा। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्णाभूषण। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% 75%। मिनीमाता रोग किस कारण होता है? पाड़ा। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को। कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है मरकरी। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HGS। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। रेड लेड क्या है? PB3O4। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाइटाई। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। येलो केक नाम जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो जर्मेनियम है। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग भी रंजित होता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम। शुष्क सेल में विद्युत का कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो एसर व बीए। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो है थोरियम। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट का मुख्य संगठक है चूना पत्थर। किस धातु को प्राप्त करने हैं? तो बॉक्साइट अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, अयस्क होता है। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? लोह, क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर जिंक और निकेल का। कठोर स्टील में होता है 5 से 1.5% कार्बन।
माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का। धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है? 0%। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना CaO सिलिका SiO2 एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम है? तो CaO SiO2 Al2O3 और Fe2O3। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट के शीघ्र जमने में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और मृतिका। कौन सा प्रायः मूर्ति और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है जबकि पीतल बर्तन वैज्ञानिक उपकरणों कार्टिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है? पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु है तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप से है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। जस्ते में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है। बर्तन का ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है? लोहा। पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है क्रोमियम। मिश्र धातु नहीं है तांबा। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? एल्यूमिनियम। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है लेड। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा एवं जस्ता। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? सीसा और टीन। धातु सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहागा। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्निको। कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। यशद लेपन क्या होता है? लोहे पर जस्ता चढ़ाना। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा। बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है आर्सेनिक से। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है 0.5 mg/L। कांच होता है अति शीतित द्रव। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच। पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्न में क्या उत्तरदायी है? बोरेक्स। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड। शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। 10 मोल जल का द्रव्यमान है 180 ग्राम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आबंधन। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। पानी का क्वथनांक जो है ना वो बढ़ जाएगा और जो हिमांक है वो घट जाएगा, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल से अभिप्राय है विवाहित भारी जल। हेवी वाटर से अभिप्राय है विवाहित जल। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। कार्बन है एक अधातु। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन।
हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस। सामान्य किस्म का कोयला है बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मूचन होता है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है CO2। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी और कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है। कौन सी गैस पौधों घर प्रवाह पर ज्यादा असर डालती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है नाइट्रोजन। क्रायोजेनिक द्रव है द्रव नाइट्रोजन। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में कि लाफिंग गैस कौन सा होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो NO2 प्लस SO2। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो हीलियम प्लस O2। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है P। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फास्फोरस से। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। हड्डी एवं दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फास्फेट। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? PH3। तो हम लोगों ने अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, इसको आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।